बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की दिव्य कथा का विधि विधान से हुआ समापन। हमारी नगरी को आपने सोना सोना बना दिया, अब जा रहे हैं तो सोना सोना लग रहा है, बोले नकुलनाथ। सिद्धि सिमरिया हनुमान धाम में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य कथा का विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ समापन हुआ। धर्मानुरागी व कथा के मुख्य यजमान सांसद नकुलनाथ ने कथा के मंच से जाम सांवली वाले हनुमान जी महाराज व सिमरिया के संकट मोचन हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए छिंदवाड़ा सहित महाकौशल से पधारे श्रद्धालु श्रद्धाजनों का अभिवादन किया। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री को प्रणाम कर उन्होंने कहा कि इस दिव्य कथा को सुनने और बागेश्वर बालाजी के चरणों में नमन करने आए अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों के भक्त जनों की ओर से भी हमारा प्रणाम। उपस्थित असंख्य श्रोताओं को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि बागेश्वर धाम के प्रधान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 3 दिनों में हमारी छिंदवाड़ा नगरी को सोना सोना बना दिया है, किंतु जब आप हमसे दूर जा रहे हैं तो अब सोना सोना लग रहा है। आपने अपनी दिव्य कथा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से सभी भक्तों को भक्ति और समरसता का संदेश दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन भावनाओं का पूरा पूरा आदर और सम्मान होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिव्य कथा में उपस्थित भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी झाबुआ से लौट रहा हूँ। वहाँ जिक्र किया गया कि छिंदवाड़ा में चल रही दिव्य कथा में बागेश्वर धाम के प्रधान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आदिवासियों का सम्मान किया और आज हम सर्व धर्म का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, ये बात गर्व से कहता हूँ, किंतु हम अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं। दिनेश भैया, बाकी लोग को रोकना भैया, मैं ना आए धक्का। बाबा जी चलिए, रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।